हेलो एवरीवन दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो दोस्तों, आज फिर से फाइनली मैं वीडियो लेकर आ गया हूं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग 26 जनवरी पर न्यू फोटो एडिटिंग है। अगर बहुत आसान तरीका है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप ईजी तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलो बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पिक्स आर्ट आना जरूरी है। पिक्स आर्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। और जितना भी बैकग्राउंड सब है सबको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या है बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा बैकग्राउंड और ये सब जितना भी है सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। अब जिस तरीके से मैं जो स्टेप कर रहा हूँ वही आपको करना है। और अब से दोस्तों मैं रेगुलर इस चैनल में मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो उम्मीद है आप पहले की तरह ही प्यार देंगे इस चैनल में, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ये चैनल छोड़ दिया था, दूसरे चैनल में काम कर रहा था। ठीक है, तो अब से मैं आ गया हूँ इसमें, चैनल ग्रो होने का टिप्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, उसके बाद ऐड फ़ोटो में क्लिक करना है। ऐड फ़ोटो में क्लिक करने के बाद हमें इस वाले को ऐड कर लेना है और यहाँ हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हमें बड़ा करना है इस टाइप से, और यहाँ से हम इतना करके यहाँ हम डन कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ ऐड फ़ोटो में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और एक बैकग्राउंड है उसको हमें ले लेना है, तो हम ये बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ इसे कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इरेज वाले टूल्स में आएंगे, यहाँ इरेज करेंगे और इधर, और ये इसको हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर इधर साइड में इसे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से फ्लिप में करेंगे और यहाँ से हम इस टाइप से कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ इसे लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से हम यहाँ डन कर देना है। उसके बाद हमें ऐड फ़ोटो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें अपना फ़ोटो लेना है और यहाँ से ऐड करना है। अब दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे तो बैकग्राउंड पहले से इरेज किया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इरेज किया हुआ है। आप ये हेयर भी देख सकते हैं, एक एक हेयर इरेज किया हुआ है। तो दोस्तों और क्वालिटी भी देख सकते हैं, फुल HD क्वालिटी है। तो ये जो बैकग्राउंड इरेज मैं किया हूँ दोस्तों, एक क्लिक में, जस्ट एक क्लिक में बैकग्राउंड इरेज किए हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र से कर सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक में एडोबी स्पार्क रिमूव बैकग्राउंड से। तो अगर आपको इसका पूरा डिटेल लेना है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक क्लिक में बैकग्राउंड इरेज मैं वो वीडियो भी दे दूंगा, आप उसको देख के ईजिली तरीके से आप एडिटिंग, मतलब बैकग्राउंड इरेज इस तरीके से कर सकते हैं। आपका उसमें टाइम भी बच जाएगा, ठीक है, और आप बहुत जल्दी एडिटिंग भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड इरेज करने में ही ज़्यादा वक्त लगता है, एक दो घंटा तो बैकग्राउंड इरेज करने में ही लग जाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको एक क्लिक में बैकग्राउंड इरेज अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप देख लें। ठीक है, उसके बाद हमें एक बार स्क्रीन में टच करना है, यहाँ हमें हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे हमें ऐड फोटो में क्लिक करना है और शेडो को लेना है ये। ठीक है, इसको ले लेना है और यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हम यहाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ इसको बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ से बैठाने के बाद हम इसका जो ओपेसिटी है उसको कम करते हैं और यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ भी हम इसे लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद हम ऐड फ़ोटो में क्लिक करेंगे। ऐड फ़ोटो में क्लिक करने के बाद हम एक 26 जनवरी का टेक्स्ट ले लेंगे और फ्लैग ले लेंगे। ठीक है, और 26 जनवरी का जो है उसको हम इधर साइड में इधर लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ झंडा है उसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। उसके बाद इस टाइप से करके हमें यहाँ लगा लेना है, थोड़ा सा इतना कर लेते हैं। ठीक है, ओपेसिटी पहले हम कम करेंगे, इरेज टूल्स में क्लिक करेंगे, इरेज में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे, इधर पूरा 95 कर लेंगे। ठीक है, इधर साइज़ को छोटा कर लेंगे और इधर क्या है ना, इसको हमें इरेज कर देना है, यहाँ से यहाँ तक इरेज कर देना है। ठीक है, यहाँ, उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी को हमें बढ़ा देना है। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी कमाल का एकदम आ गया फ़ोटो, बहुत ज़बरदस्त बना है। ठीक है, और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। उसके बाद ऐड फोटो में क्लिक करना है और यहाँ से हमें ये फ्लैग लेना है। ठीक है, फ्लैग लेने के बाद हमें इस टाइप से करना है। उसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ आना है ब्लाइंड में आने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम उसके बाद हम
यहाँ फ्लैग थोड़ा सा हम इतना रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इरेज टूल में जाएंगे, इरेज में आने के बाद इरेज करेंगे, उसके बाद यहाँ हम अपने हिसाब से इसे कर लेंगे, ठीक है, 95 रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इधर साइड साइड में इसको क्या है, इरेज कर देना है, जो झंडा इधर आया हुआ है ना उसको हमें इरेज कर देना है अच्छे से। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ और वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। दोस्तों हम इरेज कर लिए, आप ये देख सकते हैं, यानी अब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा है। उसके बाद हमें एक यहाँ से हम थोड़ा रिस्टोर कर लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इतना सा हो गया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं बहुत ही कमाल का वीडियो लग रहा है, और फ़ोटो जो हम एडिट कर रहे थे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ गया, फ्लैग भी सेट हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो आपको लगा होगा बहुत ही सिंपल। तो दोस्तों अब ये चैनल में जो है काम स्टार्ट हो गया, अब यहाँ एडिटिंग के साथ साथ चैनल ग्रो का भी टिप्स बताया जा रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। और एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं चैनल ग्रो पर, तो आप ये वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।